भारतीय युवा कांग्रेस ने लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल और रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के चलते शनिवार के दिन प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में लोगों ने कमर तोड़ महंगाई पेट्रोल डीजल के दाम वापस लो नरेंद्र मोदी हाय हाय के नारे लगाए। इस विरोध के दौरान कार्यकर्ताओं ने सिलेंडरों के पोस्टर पर पेट्रोल की बोतलें और एक मोटरसाइकिल की अर्थी जो कि दर्शा रही थी कि पेट्रोल की महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ था मौजूद नेताओं का, देखिए यह खास रिपोर्ट। आप देख सकते हैं कि सभी जो कार्यकर्ता है, जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने सभी को उठा उठा करके जो है बस के अंदर डाल दिया है। आपको बता दें, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं रुक नहीं रहे हैं। आपको बता दें, सिलेंडर का जो पोस्टर है वो लगाया हुआ है। आपको पता है सिलेंडर पे लिखा है लापता स्मृति ईरानी, जिसमें स्मृति ईरानी की फोटो भी है। आपको बता दिए, देखिए किस तरीके से सबको पकड़ पकड़ के जो है बस में डाला जा रहा है। और आपको बता दें, फिर भी जो लोग हैं बस से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद और हरमिंदर सिंह मुर्दाबाद के नारे जो है बार बार लगाए जा रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी के गृह के पास, गृह स्थान के पास जो है रैली की गई थी। आपको बता दें, लेकिन जो कार्यकर्ता है उनको बस में डाल करके, कुछ कार्यकर्ताओं को बस के अंदर डाल दिया गया। आपको बता दें, भर दिया गया है जबरदस्ती और उनको ले जाया जा रहा है, जिसके ऊपर आपको बता दें कि सभी जो लोग हैं वो काफ़ी हैरान है, काफ़ी परेशान भी है। लेकिन बस के अंदर रहने के बावजूद भी जो लोग हैं दर्शन जो है प्रदर्शन अपना कर रहे हैं और उनको अपना पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो कम होनी चाहिए, किसी भी तरीके से महंगाई को कम करो, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल के दाम जो है, डीजल के दाम जो है 100-100 पर जा चुके हैं, सिलेंडर के जो दाम है, एलपीजी के जो दाम है वो काफ़ी महंगे हो चुके हैं, जिसके चलते आज ये जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है और इसने आज बड़ा ही भयानक रूप ले लिया है। क्योंकि आज आपने जो अपना प्रोटेस्ट निकाला था, उसके अंदर आपने मोटरसाइकिल की जो है सर अर्थी निकाली थी, उसको पुलिस ने छीना सर। देखिए, लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, उसको जन विरोधी फैसलों के कारण इस सरकार को जाना जाता है। लगातार पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। आज पेट्रोल 100 रुपये से पार हो गया है, डीजल 100 रुपये से अधिक हो गया है, डीजल 1000 रुपये के करीब पहुंच गया है। आज पाकिस्तान, नेपाल, भूटान जैसे छोटे देश जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, वो भी भारत जैसे विशाल देश से सस्ता डीजल पेट्रोल रसोई गैस का सिलेंडर अपने देशवासियों को मुहैया कराते हैं। लगातार इस देश के अंदर गरीब आदमी की कमर को तोड़ा जा रहा है। आज आम महिलाओं का, आम गृहिणी का रसोई गैस का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। आज आम नौजवान का मोटरसाइकिल और स्कूटर चलाना मुश्किल हो गया है। लगातार आम आदमी की कमर को तोड़ा जा रहा है। लगातार हिटलर राज की तरह सरकार चल रही है। आज भारतीय युवक कांग्रेस पेट्रोलियम और गैस मंत्री हरदीप पुरी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी के नेतृत्व में लगातार महंगाई के खिलाफ हम इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। लगातार देखिए, हम गांधी के देश हैं, गांधी की पार्टी के लोग हैं, हम प्रेम सद्भाव से इस देश को चलाना चाहते हैं, संविधान के हिसाब से इस देश को चलाना चाहते हैं। लेकिन सत्ता में बैठी हुई सरकार का संविधान से और लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है, इसीलिए लगातार ये विपक्ष की आवाज़ को कुचलना चाहते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास लेने वाले लोगों को रोकना चाहते हैं। आज महंगाई की जो मार है, सिलेंडर हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, इसकी मार पे आपने जो प्रोटेस्ट किया है उसके ऊपर जो है आपने आज अर्थी निकाली, उस अर्थी तक को पुलिस ने छीन लिया, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, आप अर्थी छीनो, आप हमें जेलों के पीछे भेजो, लेकिन हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, इस देश के लोगों का क्या कसूर है? आप दिन पर दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं, आप गैस की कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमतें घट रही हैं, ये कौन सी अर्थमेटिक्स है, हमें कोई समझाए। मोदी जी के मंत्री जी कहते हैं कि वैक्सीन का पैसा पेट्रोल डीजल से निकालना चाहते हैं। अरे आप पेट्रोल डीजल से क्यों निकाल रहे हो? आप लोगों से ले लो अगर आपको लेना है, लेकिन ये कीमतें मत बढ़ाओ, हर दिन ये बोझ इस देश की जनता पे मत डालो। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इसका कड़ा विरोध करते हैं। मोदी एक बात ये हो रहा है कि जो यूथ कांग्रेस है, यहाँ से मैंने कई प्रदर्शन जो हैं देखे हैं, तो हर प्रदर्शन में जो है पुलिस रोक दी जाती है, जबकि कांग्रेस जो है अहिंसावादी है, उसके बाद भी जो है रोका जाता है, क्या चक्कर है, क्या कारण है? ये इस देश में तानाशाही का माहौल है, ये लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं, लेकिन यूथ कांग्रेस इस लोगों की आवाज को उठाती रहेगी।
मोदी हाय 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 महंगाई कम करो कम करो कम करो पेट्रोल डीजल के दाम कम करो कम करो कम करो पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।